बसंत भाग एक कविता चार पढ़ेंगे। कविता का नाम चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें कवि ने 10-11 साल की लड़की की कल्पना को प्रकट करते हुए पूर्णिमा के गोल मटोल चांद के बारे में सुंदर बातें की हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने वे हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले वे हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए वे चारों सिमत। यहाँ पर खूब का अर्थ है बहुत, जरा का अर्थ है थोड़ा सा है, कुल का अर्थ है सारा, पोशाक का अर्थ है वस्त्र या कपड़े, सिमत का अर्थ है दिशा। लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा हुआ सारा आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। वह फिर सोचते हुए कहती है आपका सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों में पूरी तरह छिपा हुआ है। यह गोल मटोल गोरा चिट्टा तो आपका मुंह खुला है। अब हम अगला सरलार्थ पढ़ेंगे। अपनी पोशाक को फैलाए वे चारों सीम। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पर सिमत का अर्थ है दिशा। आपका अर्थ यहाँ पर चांद के लिए लगाया गया है। गोकी का अर्थ है हालांकि। बुद्धू का अर्थ है मूर्ख। मीरा का अर्थ है बिल्कुल या पूरा। दम का अर्थ है सांस। मरज का अर्थ है रोग यानी कि कोई बीमारी। गोल होना का अर्थ है गायब होना। यहाँ पे लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि पता नहीं आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। यद्यपि आपका यह रूप और आकार सुंदर है पर हम आपको भली भांति जानते हैं। क्या आपने हमें नीरा मूर्ख समझ रखा है, अर्थात आपने हमें मूर्ख समझ रखा है। क्या हम आपको समझते नहीं हैं। हमें पता है आपको कोई बीमारी है। फिर लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है आप बीमारी के कारण ही घटते बढ़ते हो। आपका आकार छोटे से छोटा होता जाता है और फिर आकाश से गायब हो जाते हो, लेकिन जब बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही जाते हैं। आपका बढ़ता आकार घटने का नाम ही नहीं लेता। जब तक आप बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते आप बढ़ते ही जाते हैं। पता नहीं घटने बढ़ने की यह बीमारी आपको कब से है। आपकी यह बीमारी ऐसी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती।